हेलो पीपल वेलकम टू टी क्लासेस आज के प्री केयर में हम साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर नजर डालते हैं सो प्री केयर में हम क्या करते हैं यूपीएससी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वीकली उनको डिस्कस करते हैं ठीक है जी सो so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमने पहले भी आपको पिछले दो वीडियोज़ में बताया है कि हमने जो वेरियस कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए हैं फॉर यू पी एस एंड ट्वेंटी ठीक है जी सो अकॉर्डिंगली ऑप्शनल एस एंड मोर ओवर आंसर राइटिंग के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर जब आप जाकर विजिट तो वहाँ पर टारगेट 2021 के अंडर जो भी 2021 से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो प्रोवाइडेड हैं तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप जो अवेल कर सकते हैं उनको एंड मोर ओवर मे एटीन तक कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं तो अगर आप उन डिस्काउंट्स को अवेल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए ठीक है जी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कॉन्टेक्स्ट में सो असम बेसिकली दो पेंडेमिक से जूझ रहा है एक तो कोरोना वायरस पेंडेमिक है जिससे पूरी <coughs> दुनिया अफेक्टेड है एंड दूसरा असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के जो केसेस हैं पिग्स में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं एंड जो पिग्स हैं दे आर डाइंग इन थाउजेंड्स ठीक है जी तो जो ए है वो ह्यूमंस को एज ऑफ नाउ अफेक्ट नहीं करता लेकिन पिग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कैटेस्ट्राफिक है एंड मोर ओवर जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का असम में रिसेंटली जो आउटब्रेक हुआ है ये इंडिया का पहला रिपोर्टेड अफ्रीकन स्वाइन फ़ीवर का आउटब्रेक है एंड अगर आप इसको क्लासिकल स्वाइन फीवर के साथ कंपेयर करें तो ऑल जो इनके साइंस हैं सिम्टम्स हैं वो दोनों के सिमिलर हैं लेकिन जो वायरस है विच इज़ कॉजिंग द द टू स्वाइन फीवर्स वो अलग अलग हैं तो दैट इज़ वाई जो सी एस एफ की वैक्सीन है वो ए एस एफ के ऊपर काम नहीं करती एंड एज यू नो नाउ सी एस एफ की एक वैक्सीन एग्जिस्ट करती है ठीक है जी एंड जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये लीदल है लेकिन इट इज़ लेस इन्फेक्शियस एज कम्पेयर टू द फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसके अगेंस्ट तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी चलाया है है ना ब्रूस लॉस एंड फुट एंड माउथ डिजीज़ से रिलेटेड तो दोस्तों आपको बताना है कि जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये ह्यूमस को ट्रांसफर हो सकता है या नहीं या य, यानी ये ह्यूमन्स को ट्रांसमिट होता है या नहीं ठीक है तो ये आपको कमेंट्स में बताना है इसके बाद अगर हम ए के बारे में थोड़ा और जाने तो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक पिग्स दोनों को अफेक्ट करता है ये एंड इट कॉजेज एक्यूट हेमोरेजिक फीवर दूसरी चीज ये क्या करता है अगर हम सिम्टम्स देखें इसके तो हाई फीवर और वॉमिटिंग वीकनेस तो ये सब चीजें हमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर में मिलती हैं एंड मोर जो इसका फेटेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है इनफैक्ट इट इज़ क्लोज़ टू हंड्रेड परसेंट ओनली तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑल दो ट्रांसमिट इतना इज़ीली या इतना जल्दी नहीं होता ये लेकिन जो इसकी फेटेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड दैट इज़ वाई आसाम में इतने ज़्यादा जो पिग्स uh, हैं वो मर रहे हैं ट्रांसमिट कैसे होता है दो तरीके हैं ट्रांसमिट होने के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर इन्फेक्टेड वाइल्ड पिग से हो जाए अलाइव या डेड दोनों केस में ट्रांसमिट हो सकता है इनडायरेक्ट जैसे जो कंटेमिनेटेड मटीरियल है फॉर एग्जाम्पल फूड वेस्ट फीड या गार्बेज एक्सेट्रा या फिर जो बायोलॉजिकल वैक्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल टिक्स तो इन सब के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकती है अफ्रीकन स्वाइन फ़ीवर की तो दोस्तों अब खुद से आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा ए एस एफ को एक तो आपने कंपेयर करना है टू द क्लासिकल स्वाइन फीवर ठीक है जी एंड एक आप स्वाइन फ्लू जिसको हम बोलते हैं उससे भी कंपेयर करके अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में जो डिफरेंसेस हैं वो लिख सकते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट डिस्कस अबाउट लुमन सिक्सटीन ए तो ये क्या है दिस इज़ अ बाइनरी ऑफ ब्राउन वॉफ ठीक है तो दो ब्राउन ब्राउंडवाफ स्टार्स हैं जो कि एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इन वेला कॉन्स्टलेशन तो एस्ट्रोफेजिस्ट ने रिसेंटली क्या किया है वेरी लार्ज जो टेलीस्कोप है यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का विच इज़ लोकेटेड एट चिले तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है उसको यूज़ करते हुए ल्यूमन सिक्सटीन ए के जो क्लाउड बैंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है एस्ट्रोफेजिस्ट ने रिसेंटली ठीक है जी एंड एक जो स्टार्स हैं कहाँ पर हैं वेला कॉन्स्टलेशन में हैं तो इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट हैं सुजान सेन गुप्ता उन्होंने कुछ टाइम पहले ये एक आइडिया प्रोपोगेट किया कि अगर आप जो लाइट एमिट करते हैं क्लाउडी ब्राउन ड्वॉफ स्टार्स उनका उनको आप एक पोलरिमीट्रिक टेक्निक के थ्रू स्टडी करें तो आप उन स्टार्स के जो एनवायरमेंट है उसको स्टडी कर सकते हैं यानी उसके फीचर्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए रिसेंटली एस्ट्रोफिजिस्ट ने आ, आ, जो ल्यूमन सिक्सटीन ए है उसके क्लाउड बैंड्स को स्टडी किया है एंड अब ए, क्योंकि ये बाइनरी है तो सिक्सटीन एंड सिक्सटीन बी दो स्टार्स हैं हालांकि जो सिक्सटीन ए है उसी में हमें ये जो क्लाउ जो क्लाउड बैंड्स हैं वो दिखे हैं सिक्सटीन बी में हमें ऐसा कुछ खास उभर कर नहीं दिखा तो इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है हम हमने क्यों स्टडी करना इसको ज़रूरी समझा क्योंकि जो क्लाउड सिस्टम होते हैं दे शेड लाइट ऑन द प्रेशर टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी कि वहाँ पर लाइफ होने की जो संभावना है कितनी है कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है कैसी आ, जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस कैसी हैं तो उन सब के बारे में हमें क्लाउड सिस्टम को स्टडी करके पता चल जाता है एंड उस क्लाउड सिस्टम को हमने कैसे किया है पोलेमीट्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए वहां से जो भी लाइट आ रही थी लाइट इंसिडेंट थी उसको स्टडी करके ये जो प्रडिक्शन है वो की है तो अगर हम ल्यूमन सिक्सटीन की बात करें सो ओवरऑल दिस इज़ अ बाइनरी स्टार सिस्टम यानी दो स्टार्स हैं एंड ये थर्ड क्लोजेस्ट है टू आ सन तो जो पहले और दूसरे क्लोजेस्ट कौन है? अल्फा सेंचुराई एंड बर्नार्ड स्टार तो इन दोनों के बाद तीसरा जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है ये बाइनरी सिस्टम ल्यूमन सिक्सटीन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्राउन स्टार्स को फील्ड स्टार्स बोलते हैं तो फील्ड स्टार्स क्यों बोलते हैं क्योंकि ब्राउन स्टार के जो मास है दे लाई इंटरमीडिएटली बिटवीन द लार्जेस्ट प्लानट्स एंड जो अगर हम सिक्वेंस स्टार्स की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट स्टार है एंड जो लार्जेस्ट प्लानट है उनके बीच में कहीं जो इनका मास लाया करता है तो इस मास कम होने से क्या होता है कि जो वो पूरा फ्यूजन प्रोसेस है जिसके थ्रू हाइड्रोजन से एनर्जी बनती है स्टार्स के केस में जैसे हम सन के एग्जाम्पल लें तो डवाफ स्टार्स उसको सस्टेन नहीं कर पाते एंड दें दे क्रम्बल ठीक है Uh, अगर हम कुछ और मैसेव ब्राउन स्टार्स को देखें तो वो हाइड्रोजन नहीं बल्कि ड्यूटीरियम या लिथियम को फ्यूज़ uh, करके जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं तो अब आपको पता है कि वेरियस जो एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू जो ड्रॉफ स्टार्स हैं वो एनर्जी बनाते हैं वो कौन कौन से हैं हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम है एंड लीडियम है ड्यूटेरियम इज़ एन आइजोटोप ऑफ हाइड्रोजन ओनली ठीक है जी तो दैट इज़ वाई अब जो ड्यूटेरियम एंड लीडियम के थ्रू एनर्जी बनाते हैं वो थोड़ा फेंटली ग्लो करते हैं एंड ऐसे ही ग्लो कर रहा है हमारा जो ल्यूमन सिक्सटीन ए है इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एन सेफ तो एन सेफ क्या है एक आई आई टी डेली के स्टार्टअप नैनोसेफ सोल्यूशंस ने फेस मास्क बनाया है जो कि एंटी माइक्रोबियल है एंड वॉशेबल है तो 50 लॉन्ड्रिंग्स तक वॉश कर सकते हैं इसको एंड अब जैसे टफ टाइम्स प्रेजेंटली चल रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है ये थ्री लेयर्ड प्रोडक्ट है जिसमें जो इनर हाइड्रोफिलिक लेयर है वो कंफर्ट के लिए है मिडल लेयर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को आ, वहाँ पर रोकता है एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है वो वाटर एंड ऑयल को रिपेल करता है 99.2 परसेंट जो बैक्टीरियल फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी है इस मास्क की तो इससे पहले दोस्तों हमने एन फाइव ऐसे करके एन नाइन्टी नाइन है ना तो ये पहले हम प्री क्योर में डिस्कस कर चुके हैं ये वाले मास्क तो आप इनसे एन सेफ को थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हैं सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं आप उनको विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर एंड वहाँ पर टारगेट 2021 के जो कोर्सेज़ हैं फॉर 2021 यूपीएससी यू का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वहाँ पर प्रोवाइडेड है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल एस एंड जो हमारा रेगुलर जनरल स्टडीज़ का बैच है वो एंड अगर आप टारगेट 2020 की बात करें तो आंसर राइटिंग का जो एक को uh, 24 डे का कोर्स है वो भी हम पैरली रन कर रहे हैं तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय